जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता है, चुनाव नज़दीक आता है, वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि 2019 में हुआ था। 17वीं लोकसभा के चुनाव के पहले यानी कि अप्रैल में इलेक्शन हुआ था 17वीं लोकसभा का, और फरवरी मार्च में ही वैकेंसी निकाल दी गई थी रेलवे की, वो NTPC की थी और RRC ग्रुप डी की थी। ठीक वैसे ही 18वीं लोकसभा का जो इलेक्शन है वो होने वाला है अप्रैल मई में 2024 में, और ठीक उससे पहले RTI का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 3.5 लाख पद अभी भी खाली हैं रेलवे में। और रेलवे की रिपोर्ट की माने तो रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ी है लेकिन कर्मचारी घटते गए हैं, और साथ ही नए नए पोस्ट भी सृजित हुए हैं लेकिन उसके लिए अभी तक आवेदन नहीं मांगा गया है। रेलवे सुरक्षा परिचालन और सिग्नलिंग में 2.5 लाख पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट खाली हैं वह है ग्रुप डी की, इसके बाद टेक्नीशियन की, ALP की यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की, और गुड्स गार्ड की। इन पोस्ट की बहुत ही ज़्यादा अभी वैकेंट सीट पड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि अप्रैल मई 2024 में 18वीं लोकसभा का इलेक्शन है, और उससे पहले यानी कि अक्टूबर से लेकर के जनवरी 24 के बीच में, यानी कि अक्टूबर 23 से जनवरी 24 के बीच में आपको बड़े लेवल पे रेलवे में वैकेंसी देखने को मिलेगी, रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहें और अपने प्रिपरेशन को जारी रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।